अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नासिर अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल VUBWN। आज की इस वीडियो में हम CS615 सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की असाइनमेंट नंबर 2 के सोल्यूशन के बारे में देखेंगे। एक सिनेरियो हमें दिया हुआ है, वो कहता है यू आर अ सॉफ्टवेयर डेवलपर कंसल्टेंट एंड यू हैव बीन अप्रोच्ड बाय अ स्टार्टअप कंपनी टेक सेवी सॉल्यूशंस टू असिस्ट देम इन सिलेक्टिंग द मोस्ट सुटेबल सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल फॉर देयर अपकमिंग प्रोजेक्ट। जैसे कि हम फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें कोई ना कोई सॉफ्टवेयर मॉडल हमें यूज़ करना पड़ता है, तो टेक सेवी ने आपको वही मॉडल चूज़ करने के लिए कंसल्ट किया हुआ है। ठीक है, योर टास्क इज टू एनालाइज द गिवन सिनेरियो एंड रिकमेंड द मोस्ट एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अब आपने जो मॉडल रिकमेंड करना है उसमें बिजनेस गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होने चाहिए, साइज ऑफ द प्रोजेक्ट वो होने चाहिए, क्लाइंट और प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट भी मैच होनी चाहिए, फंड्स भी उसके अंदर आने चाहिए, रिस्क मिटिगेशन भी होनी चाहिए। हमारे पास बहुत से किस्म के मॉडल्स हैं, जिसमें हमारे पास वाटरफॉल मॉडल आ जाता है अपना, उसके बाद तो हमारे पास वाटरफॉल आ जाता है, इंक्रीमेंटल मॉडल आ जाता है, फिर हमारे पास स्पाइरल मॉडल आ जाता है, इसके बाद हमारा एगल मॉडल आ जाता है, वीयू प्रोसेस मॉडल, ये हम खुद से बनाते हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास एक मॉडल आ जाता है, यानी डिफरेंट तरह की मेथडोलॉजीज जो हमारे पास आ जाती हैं वो सारी की सारी हमने जहन में रखनी है। रैपिड फिक्स या रैपिड प्रोटोटाइपिंग मॉडल भी हमारे पास आ जाता है, तो इनमें से हमने चूज़ कौन सा करना है, जो ऊपर हमने उन्होंने यहाँ पर दिखाया हुआ है हमें सारे के सारे गोल्स या फिर सारे के सारे क्राइटेरिया। तो इसके लिए जो हमारा रिकमेंडेड मॉडल होता है किसी भी एप्लीकेशन को बनाने के लिए किसी भी वक्त, एगल मॉडल हमारा रिकमेंडेड मॉडल होता है। ये हमारा रिकमेंडेड मॉडल क्यों होता है, क्योंकि ये रिस्क मिटिगेशन में काम आकर आ सकता है हमारा, इसमें हम बैक ट्रैक भी कर सकते हैं, यानी हम प्रोटोटाइप फेज में हैं, अगर हम टीचर हमें कहते हैं कि यार SRS में आपने ये चीज़ इंक्लूड करनी है, प्रोटोटाइप में भी ये चीज़ आपने इंक्लूड करनी है, तो हम प्रोटोटाइप और SRS दोनों में एक ही वक्त में दोनों चीज़ें इंक्लूड करवा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पास रिकमेंडेड प्रोसेस मॉडल है वो होता है जी एगल डेवलपमेंट मॉडल। ठीक है, इसमें जो बिजनेस गोल्स और ओरिएंटेशन है वो भी हमने यहाँ पे लिखी हुई है, एक्सपेक्टेड साइज ऑफ द प्रोजेक्ट वो भी एगल मॉडल के जरिए डिफाइन हो जाता है, क्लाइंट और प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को ऑन द टाइम हम सही तरह से बना सकते हैं वो भी एगल मॉडल के जरिए हमारे पास हो जाता है, फंड्स को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, स्टाफ को कौन से टास्क पे लगाना है वो भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, रिस्क जो भी इसमें आएंगे जैसे कॉस्ट के हैं, टाइम के रिस्क हैं, मीटिंग्स हैं, बजट के रिस्क हैं, वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है, आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है सारे का सारा कॉन्टेंट। तो ये थी आपकी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।